तो मेरे सामने ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ऐसे सॉलिटेयर की रिंग्स है। सॉलिटेयर ज्वेलरी परचेस करना हर किसी का ड्रीम होता है, बट जैसे कि ये प्रेशियस एंड रेयर होते हैं तो इनकी जो प्राइस होती है ना हमेशा काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। बट आज के वीडियो में हम लोग जो सॉलिटेयर के रिंग्स देखने वाले, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹73,000 विद द हायर कलर क्लैरिटी डायमंड। एंड गाइज, जो हमारे सॉलिटेयर के रिंग्स या कोई भी सॉलिटेयर की ज्वेलरी होती है, इनकी जो प्राइस है ना वो कितने कैरेट का डायमंड है, कलर क्लैरिटी क्या है, इसके ऊपर ही डिफ्रेंशिएट होती है। सो काफ़ी अमेजिंग एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव एंड ह्यूज कलेक्शन मैंने इस वीडियो में लाया है, तो कुछ भी मिस मत करना। एट द एंड मैंने तनिष्य मेंस के सॉलिटेयर रिंग्स भी इस वीडियो में ऐड किए हैं, तो स्किप मत करना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेल टोटली आई कैन अंडरस्टैंड, अभी गोल्ड के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो हम लोग ना अभी थोड़े बहुत डायमंड एंड सॉलिटेयर के कलेक्शन देखेंगे। तो इस वक्त मैं हूँ तनिष शोरूम में, जो कि लोकेटेड है इन ऑर्बिट मॉल में। तो मेरे सामने ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर ऐसे सॉलिटेयर की रिंग्स है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने मेरे सॉलिटेयर रिंग परचेसिंग का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तब से मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे सॉलिटेयर रिंग्स के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक एंड ब्यूटीफुल ऐसे सॉलिटेयर रिंग्स के डिज़ाइन है, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आगे सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगी। बट मेक श्योर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयशा द लॉस को सब्सक्राइब कर देना। टू ऑल माई ज्वेलरी लवर्स, जो भी सॉलिटेयर के रिंग्स आज हम लोग तनिष से देखने वाले हैं, ट्रस्ट मी, ये सारे 2024 के बेस्ट एंड लेटेस्ट डिज़ाइन है। अगर आपको सॉलिटेयर परचेस करना है तो ये सारा कलेक्शन अभी अवेलेबल है तनिष शोरूम इन ऑर्बिट मॉल हैदराबाद। एंड ज़रूर छोटा मोटा सॉलिटेयर परचेस करना, बिकॉज आफ्टर सम ईयर्स आपको इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग भी शेयर किया था, सो वो भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो हमारा फर्स्ट रिंग है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सब में गोल्ड 18 कैरेट यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायमंड है वो 30 सेंट का है। 30 सेंट के ऊपर का जितना भी डायमंड होता है उसको हम लोग सॉलिटेयर में कंसीडर करते हैं। एच कलर है, SI1 क्लैरिटी है। इसका प्राइस हमें पड़ेगा 1,45,000 के आसपास। एंड जो यहाँ पे गोल्ड इन्होंने लगाया है उसका वेट आ जाएगा 1.75 ग्राम के आसपास। सो एंटायर कलेक्शन में या कभी भी अगर कोई सॉलिटेयर की ज्वेलरी आप लेते हो तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आपका सॉलिटेयर कितने कैरेट का है, उसका कट क्या है, शेप क्या है, उसके बाद इसकी कलर क्लैरिटी क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ओनली 73,000 का इसलिए है बिकॉज इसका जे कलर है, SI1 क्लैरिटी है, 2.39 ग्राम का है, जस्ट 31 सेंट का डायमंड है इसमें। सो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 73,000 के आसपास। एंड इसमें जो यूज़ किया है गोल्ड, वो वाइट गोल्ड है। सो काफ़ी सारे लोगों को सॉलिटेयर लेना मतलब या तो प्लैटिनम पसंद होता है या वाइट गोल्ड पसंद होता है, बिकॉज सबका अलग अलग है, किसी को येल्लो गोल्ड पसंद है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन अवेलेबल है। वेल हमारा जो ये रिंग है नेक्स्ट वाला, इसमें 40 सेंट का डायमंड है, बट आप कलर देखिए, एफ कलर है, SI1 क्लैरिटी, सो हायर कलर क्लैरिटी है। 2.40 ग्राम टोटल रिंग का वेट है, प्राइस पड़ेगा 2,10,000 के आसपास। एंड जो सिंगल सॉलिटेयर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ये हाइएस्ट सेलिंग होते हैं। मैंने भी सिंगल सॉलिटेयर ही परचेस किया है रिसेंटली, बिकॉज सॉलिटेयर जब आप सिंगल लेते हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप डायमंड के साथ लेते हो तो थोड़ा सा वो एंगेजमेंट रिंग की तरह दिखता है, बट स्टिल ये सबका अलग चॉइस होता है, सबका अलग बजट होता है। तो मैंने जो रिसेंटली रिंग लिया है वो कुछ इस तरह से ही है। एंड आप देखो इसका हाइयर कलर क्लैरिटी है, जी कलर है, VS2 क्लैरिटी है, 62 सेंट्स का सॉलिटेयर है। आप देख सकते हो मोर देन हाफ कैरेट, 2.46 ग्राम टोटल वेट आएगा इस रिंग का। एंड प्राइस पड़ेगा 3,62,000। इतना सुंदर ये रिंग है ना, आपको क्या बताऊँ मैं। एंड ये जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो प्रॉन्स कहा जाता है, जिसके वजह से आपके जो सॉलिटेयर है अंदर से एकदम फिटिंग अच्छी रहती है, उसको प्रॉन्स कहा जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रिंग। तो आप देख सकते हो इसका जो लुक है कितना सुंदर, एकदम सेलिब्रिटी स्टाइल ये रिंग है, डिज़ाइन भी है इसमें। तो यहाँ पे रिंग का टोटल वेट हमें आ जाएगा 2.36 ग्राम, टोटल गोल्ड इसमें यूज़ किया है। प्राइस पड़ेगा 2,75,000 बिकॉज इसमें 49 सेंट्स का सॉलिटेयर है। वेल यहाँ पे इसका कलर क्लैरिटी मेंशन नहीं है, सो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको जानना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो, टाइम के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट जानना है, क्या जानना है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है,
तो आप चेक कर सकते हो। इसकी शाइनिंग वगैरह सच में सॉलिटेयर्स ना बहुत अलग होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट एंड अगेन, दिस इज मेड इन वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। अगर वो सॉलिटेयर डायमंड लेते हैं तो स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं कि वी वांट इन वाइट गोल्ड, सो यू कैन चेक। आप इसका सॉलिटेयर देख सकते हैं, सॉलिटेयर्स की जो चमक धमक होती है ना वो बहुत अलग होती है। VVS2 विच इज अ वेरी वेरी हायर कलर क्लैरिटी एच कलर है। 2.58 ग्राम टोटल रिंग का वेट है। प्राइस पड़ेगा 2,63,000 के आसपास। अगेन ये इतने हायर कलर क्लैरिटी में होने के बावजूद भी आपको प्राइस थोड़ा एफोर्डेबल ही आ रहा है, बिकॉज जो सॉलिटेयर है वो हाफ कैरेट से भी कम है। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट रिंग है ना, यहाँ पे दो टोन यूज़ किए हैं, वाइट गोल्ड एंड रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी ट्रेंडी एंड स्टाइलिश ऐसी ये रिंग लगती है। टोटल रिंग का वेट है 2.66 ग्राम। बट आप देखो इसका जो स्पार्कल है ना काफ़ी अलग है। सॉलिटेयर पहनना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। 44 सेंट का सॉलिटेयर है। VS1 क्लैरिटी है, जी कलर है इसमें। 2,56,000 के आसपास प्राइस आएगा। सो अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा होगा, मैंने रिसेंटली एक सॉलिटेयर की रिंग परचेस की है। तनिष्क में फेस्टिवल ऑफ डायमंड भी रहता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, एंड इनके ऊपर जो मेकिंग चार्जेस होते हैं ना वो कम होते हैं, लाइक फिक्स होते हैं। मुझे लगे थे जस्ट 13,000 मेकिंग चार्जेस। गोल्ड के कंपेयर में मेकिंग बहुत कम होती है, एंड इसके रिटर्न्स कुछ सालों के बाद आपको बहुत अच्छे आते हैं। तो ये वाला हमारा रिंग है 2.28 ग्राम का। के कलर है, SI1 क्लैरिटी है, 70 सेंट्स का सॉलिटेयर है। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पड़ेगा 2,51,000 के आसपास। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है या ज्वेलरी का ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास सॉलिटेयर की कोई ज्वेलरी है, आप भी आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो बाकियों के साथ, तो उनको भी थोड़ा पता चलेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपने सेल किया तो कितने रिटर्न्स वगैरह आए। सो या वी कैन ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हम लोग ज्वेलरीज के वीडियोस देखते हैं हमेशा। दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी हेल्पफुल वीडियोस। तो आप भी आपका एक्सपीरियंस ऑल टाइम शेयर कर सकते हो। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रिंग। 61 सेंट का सॉलिटेयर है। VS1 कलर है, VS1 क्लैरिटी एच कलर है। 3,61,000 के आसपास हमें प्राइस आएगा। 3.29 ग्राम हमें इसका वेट आएगा। इसकी जो सेटिंग वगैरह है काफ़ी अमेजिंग है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सको एग्जैक्टली ऐसा ही मेरा सॉलिटेयर रिंग है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अभी थोड़ा बहुत एक ऐसा रिंग देखते हैं ना जो कि थोड़ा सा डायमंड का, मतलब बाजू में डायमंड होते हैं। तो ऐसे वाले जो रिंग्स हैं ना, दे आर मोस्ट पॉपुलर फॉर एंगेजमेंट पर्पस। तो इसका वेट यहाँ पे 2.32 ग्राम है। सो ऐसे वाले यहाँ पे कम रिंग थे तो मैंने ज़्यादा शो नहीं किए हैं। मोस्टली सिंगल सॉलिटेयर वाले रिंग यहाँ पे ज़्यादा थे। यहाँ पे 57 सेंट्स का टोटल डायमंड है, एच कलर है, एंड कलर क्लैरिटी हायर ही है। प्राइस हमें पड़ेगा 2,63,000 के आसपास। सो ऐसे वाले रिंग के लिए भी एक अलग ही फैन बेस है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, आपने भी देखा होगा तो कुछ इस तरह से लगेगा। नाउ वी हैव वन रिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मुझे ये बहुत पसंद आई बिकॉज ये काफ़ी यूनिक लग रही थी। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हो जैसे कि इन्होंने रोज गोल्ड यूज़ किया है, वाइट गोल्ड यूज़ किया है, एंड काफ़ी यूनिक ऐसी पीस है ये। वेट आ जाएगा ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम के आसपास, सारा टोटल वेट गोल्ड का मिला के। 18 कैरेट गोल्ड है इसमें। तो ये सारे टैग्स मैं शेयर कर रही हूँ। 40 सेंट्स के डायमंड्स है, बट एच कलर है। VVS2 इसकी क्लैरिटी है। प्राइस आपको पड़ेगा 2,30,000 के आसपास। बट आप एक बार इसका लुक देखिए, कितनी सुंदर है। इसका जो स्पार्कल वगैरह है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आप कभी भी लाइक सॉलिटेयर लेते हो ना, सो मेरे ज्वेलरी लवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है, तो ट्राई करना कि थोड़ा सा बड़ा सॉलिटेयर लेना, ताकि आप जब भी उसको एक्सचेंज करोगे या रिटर्न सेल करोगे, आपके आपको ना उसके रिटर्न बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा प्रीवियस जो ब्लॉग है उसको एक बार ज़रूर देखना। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वाले ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाऊँगी। कभी हमारा कलेक्शन भी देखना है। ये है 3.19 ग्राम का। प्राइस पड़ेगा 3,59,000 के आसपास। सो इसका जी कलर है। आप देख सकते हो इसका जो सॉलिटेयर है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतना एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, एंड व्हेनेवर यू वेयर सॉलिटेयर्स और डायमंड्स ना, यू फील्स लाइक अ दिवा और यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी।
सो जो लोग भी लाइक सॉलिटेयर या डायमंड्स ऐसे पहनते हैं, ऐसे बोलते हैं कि एक अलग ही टाइप की वाइब, पॉजिटिव वाइब आपको आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी थोड़ा सा सिमिलर ही है, आप देख सकते हो 3.25 ग्राम हमें टोटल रिंग का वेट आ जाएगा। यहाँ पे 64 सेंट्स का डायमंड है, एच कलर है, VS1 क्लैरिटी है, 3,77,000 आपको प्राइस आएगा। तो आप ये सारे डिज़ाइन ना आपके विशलिस्ट में रख सकते हो। एंड जो तनिष्क के सॉलिटेयर से डायमंड्स होते हैं, दे आर नॉट लैब ग्रोन, ये सारे नेचुरल्स होते हैं, जिसकी प्राइस और भी अच्छी आती है आपको कुछ सालों के बाद। सो एक बेनिफिट बहुत अच्छा है। एंड एक और बात, ये जो प्राइजेस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यही अगर डायमंड फेस्टिवल में लोगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट आ जाएगा इसके ऊपर। तो आप अभी ले सकते हो, या डायमंड फेस्टिवल तो आएगा ही अभी, उसमें भी ले सकते हो। 60 सेंस का सॉलिटेयर है, एच कलर है, SI1 क्लैरिटी, ये वाइट गोल्ड में बनाया है, 2.49 ग्राम हमें वेट आएगा। जो प्राइस है वो पड़ेगा 3,04,000 के आसपास। एंड इनके ऊपर जो मेकिंग चार्जेस है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं कि वो फिक्स होते हैं, जैसे 13,000, 15,000, सो डिपेंड्स। सो मेरा जो लिया था मैंने, 13,000 ही मुझे मेकिंग चार्जेस पड़े थे। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाता है, बिकॉज यही अगर आप गोल्ड लेने जाओगे ना, तो इतनी ज़्यादा मेकिंग रहती है कि 25% और अप टू मोर देन 25% इस तरह से। सो यस, आप आपके अकॉर्डिंग इनको चेक कर सकते हो। ये है 2.64 ग्राम की रिंग, 42 सेंट्स का डायमंड है, एफ कलर है, BVS2 क्लैरिटी है, 2,51,000 के आसपास हमें इसका प्राइस आएगा। बट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये। एंड आई अंडरस्टूड गाइज कि आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट 29 रिंग्स, नॉट अ जोक, 29 रिंग्स मैंने आपको इस वीडियो में शो किए हैं। बिकॉज आपको पता है मेरे जो वीडियोज़ होते हैं थोड़े से गैप में होते हैं, बट ट्राई करती हूँ कि अच्छे अच्छे कलेक्शन दिखाओ, चाहे थोड़े लंबे टाइम के बाद दिखाओ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। एफ कलर है, VS1 क्लैरिटी है, 52 सेंट्स का सॉलिटेयर है हमारा, 2.41 ग्राम की ये रिंग है, 3,41,000 के आसपास आपको प्राइस आएगा। बट आप एक बार इसका डिज़ाइन भी देख सकते हो किस तरह से है। सो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये सारे सॉलिटेयर के रिंग्स। उसके बाद अगेन हमारी एक रिंग ऐसी है कि इसमें हल्का सा येलो गोल्ड है, देन वाइट गोल्ड का कॉम्बिनेशन बनाया है, 2.94 ग्राम की रिंग है, प्राइस पड़ेगा 1,82,000 के आसपास। बट यहाँ पे अगर अभी आप नोटिस करोगे ना, सिर्फ 40 सेंट्स का डायमंड है, आई कलर है, SI1 क्लैरिटी है, सो प्राइस आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में देखने को मिल जाएगा। बट इसका जो लुक वगैरह है ना, वो आप देख सकते हो। सो आई हैव टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन गाइज, सो आई एम कीप लाइक ज़्यादा बात करनी पड़ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली सॉलिटेयर आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। सो कुछ भी क्वेरी है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे एनी टाइम कमेंट कर सकते हो। एंड अब देखो, अंदर तनिष्क का लोगो भी है सारे रिंग्स के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर रिंग है, दो कॉम्बिनेशन में इसको बनाया है। 2.60 ग्राम की रिंग है ये, एंड यहाँ पे 32 सेंट्स का सॉलिटेयर है, जी कलर है, VVS2 क्लैरिटी है, तो यहाँ पे हमें प्राइस पड़ेगा 1,76,000 के आसपास। सो इनकेस मान लो अगर आपको हायर कलर क्लैरिटी का सॉलिटेयर चाहिए या थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो आप एक बार ना उनको पूछ लेना, कस्टमाइज भी वो कर सकते हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा बड़ा सॉलिटेयर होगा, उतनी ही ज़्यादा प्राइस लगेगी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है सॉलिटेयर्स अगर आप इंक्रीज करवाते हो तो। बट किसी किसी का बजट होता है, वो लोग परचेस करते हैं बहुत बड़े बड़े सॉलिटेयर्स। ये है 2.43 ग्राम की रिंग, यहाँ पे इसको येल्लो गोल्ड में बनाया है, जस्ट 30 सेंट का डायमंड है, आई कलर है, SI2 क्लैरिटी है, जो प्राइस है वो हमें पड़ेगा 1,16,800 के आसपास। सो मुझे लास्ट कुछ वीडियोस पे आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि दी गोल्ड के रेट बहुत हाई हो चुके। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह एक कस्टमर हूँ। डेफिनेटली मेरी भी अर्ज है कुछ गोल्ड ज्वेलरी परचेस करने की, बट अभी तो नहीं कर सकते। सो एक ही सजेशन है, ट्राई करो, अगर आपको अभी नीड नहीं है तो परचेस ना करो, कुछ दिन वेट करो, कभी ना कभी थोड़ा तो कम होगा ही, लेट्स होप, तब आप परचेस कर सकते हो। तब तक आप सॉलिटेयर या डायमंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको परचेस करना है या आपको पसंद है तो, बिकॉज इसमें भी आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। वेल, मूविंग टू नेक्स्ट रिंग, 2.75 ग्राम की ये रिंग है, प्राइस पड़ेगा 1,70,800 के आसपास, एग्जैक्टली 30 सेंट का सॉलिटेयर है, जी कलर है, VVS1 क्लैरिटी है, हायर कलर क्लैरिटी का है,
तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये येल्लो गोल्ड में बनाया है। एंड इनके जो रिंग्स के पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं। आई वॉज पर्सनली यूजिंग सॉलिटेयर रिंग्स, तो मैंने काफ़ी साल से एक छोटा रिंग था मेरे पास, वो यूज़ कर रही थी। अभी तो मैंने बड़ा सॉलिटेयर ले लिया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मुझे ऐसा कभी कुछ दिक्कत तो नहीं आया है। सो या आई थिंक हमारे वीडियो की सबसे लाइट वेट रिंग है ये वाली, जस्ट 1.80 ग्राम में बनाई है, 34 सेंट का सॉलिटेयर है, जी कलर है, SI2 क्लैरिटी है। प्राइस पड़ेगा हमें इसका अप्रोक्सीमेटली 1,34,000 के आसपास। सो आप ऐसे वाले चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड मोस्टली जो सिंगल सॉलिटेयर्स होते हैं ना, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, परचेज भी उनको ज़्यादा करते हैं। एंड कलेक्शन भी यहाँ पे कुछ उस तरह का था। सो ट्राई ऑन में आप देख सकते हो, मैंने ईच एंड एवरी रिंग का ट्राई ऑन किया है काफ़ी मेहनत से। एंड मेक श्योर यार, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। उसके बाद हमारी एक और बिलो 1 लाख वाली रिंग है कुछ इस तरह से, जस्ट 77,000 की ये रिंग है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉलिटेयर परचेस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा ना सही लेकिन छोटा तो आप परचेस कर ही सकते हो। 32 सेंट का सॉलिटेयर है, जे कलर है, SI1 क्लैरिटी है। यहाँ पे वेट आएगा 2.85 ग्राम। सो ओनली 77,000 में आपको ये रिंग आ जाएगी। अगर आपका सच में ड्रीम है सॉलिटेयर लेना, ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप छोटे छोटे ऐसे वाले से भी आपका स्टार्ट कर सकते। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था सॉलिटेयर परचेस करना। सो यस, आप देखो। एंड इसका जो लुक ट्राई ऑन भी है ना, ऐसा लगता भी नहीं कि जस्ट 30 सेंट का डायमंड है, बड़ा लगता है। मूविंग टू नेक्स्ट, एंड ये भी आप देख सकते हो, इसका जो शेप एंड डिज़ाइन है ना, आप देखो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे 6 प्रॉन्स लगाए हैं इन्होंने। 2.16 ग्राम की हमारी ये रिंग है, एच कलर है, VS2 क्लैरिटी आपको इसका आएगा, 31 सेंट्स का डायमंड है। 1,51,000 आपको इसका प्राइस आएगा। बट अगर आपने नोटिस किया होगा ना, नोबडी वेल टेल कि ये इतना छोटा सॉलिटेयर है, पहनने के बाद या आप जब भी हाथ में लोगे ना, आराम से 50 सेंट्स का तो ये लगता ही लगता है। सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्लस अफोर्डेबल भी है। मूविंग टू नेक्स्ट रिंग, जो कि थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी रिंग है। 2.48 ग्राम में इसको बनाया है। अब देखो इसमें येल्लो गोल्ड यूज़ किया है, जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस है वो 2,64,000 के आसपास है। एफ कलर है, VS2 क्लैरिटी है, 46 सेंट्स का यहाँ पे डायमंड लगाया है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन बनाया है इन्होंने, तो काफ़ी प्यारी लगती है। एंड सॉलिटेयर्स ऐसे होते हैं ना कि कोई भी आउटफिट के ऊपर आप इनको कैरी कर सकते हो। सो ये थे मेरे सारे लेडीज़ के लिए सॉलिटेयर के रिंग्स। अब देखते थोड़े बहुत मेंस के सॉलिटेयर के रिंग्स फ्रॉम तनिष्क। दिस इज़ आवर फर्स्ट रिंग, 5.48 ग्राम की है, एफ कलर है, VS1 क्लैरिटी है, 40 सेंट्स का सॉलिटेयर लगाया है। प्राइस पड़ेगा 2,64,000 के आसपास। सो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो हम सोचते हैं कि ब्रदर, हमारे डैड, भाई, किसी को भी अगर गिफ्ट करना है आपके हस्बैंड को, तो आप ये वाले भी चेक कर सकते हो अगर आपका बजट है तो। 6.35 ग्राम का ये है रिंग, 3,23,000 के आसपास प्राइस आएगा। मुझे काफ़ी सारे मेंस के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम और भी आप हमारा भी कलेक्शन दिखाया करो। सो डेफिनेटली ऑनवर्ड्स मैं ट्राई करूँगी कि एक आपका भी कलेक्शन मैं वीडियो में दिखाया करूँगी। तो लास्ट टाइम मैंने कड़ा भी आपके शेयर किए थे, आज के वीडियो में मैंने सॉलिटेयर रिंग्स भी शेयर किए हैं। सो आप इनको शेयर भी कर सकते हो, जो भी मेंस लोग वीडियोस देख रहे हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिनको भी मेंस कलेक्शंस देखने हैं गोल्ड के। सो बाकी की सारी डिटेल्स आप देखो, मैंने स्क्रीन पे मेंशन की है, एंड जो सॉलिटेयर की डिटेल्स है वो आपको टैग के ऊपर भी दिख जाएगी। ये वाला है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, और भी कलेक्शंस जब भी मैं लाऊंगी, सो मैं ट्राई करूंगी कि मेंस के भी कलेक्शंस ऐड करूँ। 6.81 ग्राम का ये रिंग है, 3,10,000 के आसपास आपको प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे भी जो सॉलिटेयर से काफ़ी हायर कलर क्लैरिटी के है, एच कलर है, VS1 क्लैरिटी है, ऑलमोस्ट हाफ कैरेट का इसमें सॉलिटेयर लगाया है। सो इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शंस है। सो माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली, यूट्यूब फैमिली, ये सारे थे हमारे सॉलिटेयर के रिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे आज के वीडियो में फ्रॉम तनिष्क शोरूम। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है, सो प्लीज़ डू चेक आउट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय।